शाम के 7:15 बजे हैं और रेडियो द्वारका फटाफट का समय हो गया है। आज हम आपको बताएंगे कहां पर हुआ स्कूल में आई स्क्रीनिंग का कैंप, कौन कर रहा है पैरा गेम्स को बढ़ावा देने की कोशिश, क्यों हैंड हाइजीन इतना इम्पोर्टेंट है, और 10 सेकंड के बाद आपको बताएंगे द्वारका के किस स्कूल के बच्चे गए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में। नित्या नंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। द्वारका के निर्मल भरतिया स्कूल सेक्टर 14 और केरला एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैनिंग रोड ने आपस में एक्सचेंज प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम में निर्मल भरतिया स्कूल के 7वीं क्लास के 80 बच्चों ने केरला स्कूल में विजिट किया। इसमें निर्मल भरतिया स्कूल के बच्चों ने सेवा प्रोग्राम के तहत वेस्ट मैनेजमेंट और ई वेस्ट मैनेजमेंट पर वर्कशॉप किया। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया। आज डॉक्टर इंदर कस्तूरिया जो कि आकाश हेल्थ केयर में है, हमें बताएंगे हैंड हाइजीन क्यों इम्पोर्टेंट है। हैंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। यदि आपको इन्फेक्शन अवॉइड करने हैं तो हैंड हाइजीन का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, लिफ्ट में किसी बटन को टच कर रहे हैं, मार्केट एरिया से आ रहे हैं, तो सबसे पहले घर या ऑफिस पहुंचने के बाद अपना हैंड वॉश करें या हैंड सैनिटाइजर यूज करें। इन छोटे से प्रिकॉशन से आप 20-30% तक स्टमक इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में शिक्षक और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विकास डागर जो कि ककरोला स्टेडियम के इंचार्ज हैं, विकास डागर ने दिल्ली के कई स्कूलों के दिव्यांग बच्चों के लिए जागरूकता अभियान और पैरा खेल की जानकारी के लिए स्पेशल सेशन करा रहे हैं। इन्होंने 550 शिक्षकों को पैरा खेल की जानकारी दी है जिससे निगम में पैरा खेल का स्तर और ऊँचा हो सके। इन्होंने खुद अब तक 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। परमार्थी को केवल 1 रुपए प्रतिदिन का आपका योगदान भी द्वारका को इस तरह साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। छोटी सी खुशी ने आज अपने वॉलंटियर के लिए एक मनोवैज्ञानिक वर्कशॉप का आयोजन किया। इसमें वॉलंटियरों ने आपसी संबंध और उसके महत्व के बारे में जाना। कार्यक्रम में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अनामिका ने सारे वॉलंटियरों को आपसी और सामाजिक संबंध की जानकारी दी। अभी हाल ही में गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्मालखा में स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम के चलते एक फॉलो अप कैंप हुआ था जिसमें कि बच्चों की आई टेस्ट की गई और उसके साथ साथ उनको चश्मे भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। डॉक्टर विमल कौशल जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हैं एनपीसीबी एसडब्ल्यूडी के, उन्होंने हमें बताया कि साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम 8 सरकारी स्कूलों में हो चुका है। इस तरह की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। आप हमारे Facebook के पेज को लाइक कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट www.radiodwarka.com पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।